हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज मैं बनाने वाली हूँ मॉल स्टाइल मसाला स्वीट कॉर्न। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 2 स्वीट कॉर्न के दाने। आप निकले हुए दाने मॉल से ले सकते हैं, वो पैकेट के आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसको बॉयल करना है, तो पैन में डालेंगे 1 गिलास वाटर। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें स्वीट कॉर्न को डालेंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें स्वीट कॉर्न को डालेंगे। इसको लगभग 3-4 मिनट के लिए बॉयल करना है, तो इसको मैं ढक देती हूँ। 4 मिनट के बाद मैं इसे देखूँगी। देखिए फ्रेंड, 4 मिनट हो चुका है और मेरे स्वीट कॉर्न भी बॉयल हो चुके हैं। मैंने गैस को ऑफ कर दिया, अब इसे छान लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको छान लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब पैन में डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर मेल्ट हो चुका है, अब इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न को। अब इसको 3-4 मिनट तक भून लेना है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे लगभग 4 मिनट तक भून लिया है, ये अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी मसाले। 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च भुनी हुई धनिया का पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच काला नमक डाल दिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग इसे भी 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाएं। देखिए फ्रेंड, 2 मिनट तक मैंने मसाले के साथ इसको भून लिया है, ये अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी नींबू का रस। नींबू का रस डालने से इसका स्वाद बहुत चटपटा हो जाता है। अब इसको भी मिला लेना है। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी धनिया पत्ती, इसको भी अच्छे से मिला लीजिए। गैस को ऑफ कर देना है। गर्मा गर्म खाने के लिए स्वीट कॉर्न तैयार है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको सर्व कर लिया, आप भी इसे ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छा बना है। इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।